हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है जो मैं ऑर्गेनिक से चूज़ कर रहा हूँ। ये टॉपिक को स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो मैंने पहला टॉपिक जो यहाँ पे लिया है वो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से आता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इनऑर्गेनिक में या जो फिजिकल में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है आपको उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकूं और हम यहाँ से समझ सकें। ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ये आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ोगे, जब आप वहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आपको थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन करते समय ये इमेजिनेशन बहुत हेल्प करने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से, हम जाएंगे अल्कीन्स पे, हम जाएंगे अल्काइन्स पे, हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है और हम ये देखने की कोशिश करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ जो ऑर्गेनिक का है और वो सबसे पहला टॉपिक है अल्केन्स। नाउ जब आप अल्केन्स की बात करते हो वी ऑल मस्ट बी नोइंग कि अल्केन्स क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको पता है अल्केन्स क्या होता है। अल्केन्स आर दोज कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे आर हाईली सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। कार्बन अपनी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू या सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला या सबसे बेसिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या मॉलिक्यूल जो मैं कह सकता हूँ स्टार्ट होता है वो है आपका मीथेन। मीथेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे आपके पास कार्बन होता है और वो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है जिसको आपने हमेशा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। लेट मी टेल यू, आपने मॉलिक्यूल बहुत सही बनाया है पर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो इसके हिसाब से आपके कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। बट एक्चुअली में जब आप मीथेन मॉलिक्यूल को देते हो तो मीथेन मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। अब इससे एक और चीज आती है कि अगर मेरा मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा जो आपने बोर्ड पे ड्रॉ किया, जो यूजुअली स्टूडेंट्स या हम बुक में भी जिसको ड्रॉ करते हैं, अगर मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है तो मीथेन मॉलिक्यूल शुड बी अ प्लेनार मॉलिक्यूल। नाउ व्हेन आई से प्लेनार मॉलिक्यूल आई मीन टू से कि वो टू डायमेंशन में ही होना चाहिए, वो थ्री डायमेंशन में नहीं होगा। इट विल बी अ प्लेनार मॉलिक्यूल जहां पे बॉन्ड एंगल विल बी कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री। नाउ देयर वर मेनी एक्सपेरिमेंट्स जहां से ये पता चला कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मीथेन की एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या ज्योमेट्री इन्वॉल्व है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन के साथ। वी ऑल नो कार्बन हैज गॉट एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड 2p ना। s के अंदर यहां पे हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस आर 2 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर हमेशा यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और p के अंदर देयर आर 3 ऑर्बिटल्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको अगर VBT पता हो तो VBT के हिसाब से अकॉर्डिंग टू VBT एनी मॉलिक्यूल एक एनी एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही बॉन्ड बनाता है। नाउ ये कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। इसको एक्सप्लेन मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि अगर मेरे पास जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और मेरे पास हमेशा कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वहां पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्पिन करते हैं। सिंस वो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, जिससे मान लो अगर ये यहां स्पिन करेगा तो इसका साउथ पोल ऊपर आएगा, नॉर्थ पोल नीचे आएगा। अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो इसका साउथ पोल नीचे आएगा और इसका नॉर्थ पोल ऊपर आएगा। एनी स्पिनिंग पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं या एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जिसको आप कुछ इस तरीके से डबल अपर एरो एंड डाउन एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, मान लो ऐसा ही अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो अकेला घूम रहा है। अब अगर ये अकेला घूम रहा है तो इसके ऊपर कौन सा पोल होगा, इसके ऊपर होगा साउथ पोल और नीचे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। इस डायरेक्शन में याद रखना, थंब आपको साउथ पोल बताता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज अनबैलेंस्ड। बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साउथ और नॉर्थ पोल को बैलेंस करने के लिए नहीं है। जिस हिसाब से यहां पे नॉर्थ साउथ को बैलेंस कर रहा है, यहां साउथ नॉर्थ को बैलेंस कर रहा है, दैट्स नथिंग। मानो अगर ऐसे सामने से एक एटम निकल के आता है
एक दूसरा एटम आता है जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अब इसी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। अगर वो इसी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो उसका भी साउथ ऊपर होगा, इसका भी नॉर्थ नीचे होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। अनफॉर्चुनेटली इसका भी एरो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका भी एरो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब भैया बॉन्डिंग नहीं हो सकती। बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एस और एस एक दूसरे को रिपेल करेगा, एन और एन एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को उल्टा स्पिन करना स्टार्ट करेगा, और जब वो अपने आप को उल्टा स्पिन करना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। यानी मानो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये उल्टा स्पिन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसका साउथ नीचे हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, एंड दिस विल बी बैलेंस। अब हम इसको कहेंगे कि इसका स्पिन उल्टा हो गया है, तो ये अब एक दूसरे को क्या कर लिया है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इसी को कहा जाता है बॉन्ड। मतलब अगर ये मेरा एक एटम है ए, अगर ये मेरा एक एटम है बी, इसका इलेक्ट्रॉन सिंगल था, इसका इलेक्ट्रॉन सिंगल था, दोनों इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन उल्टा करेगा और दोनों के इलेक्ट्रॉन स्पिन उल्टा करने के बाद एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, एंड हम कहते हैं कि वहां पर बॉन्ड बन गया। तो वीबीटी के हिसाब से कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो इस हिसाब से अगर मैं कार्बन को देखने की कोशिश करूं तो कार्बन के पास तो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर उसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका नॉर्थ इसका साउथ, इसका नॉर्थ इसका साउथ बैलेंस है, अंदर के शेल की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बाहर का शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दो ही बॉन्ड बनने चाहिए। पर कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है? सर कार्बन बनाता चार बॉन्ड है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? भाई वीबीटी भी अपनी जगह पे बहुत सही है, वो तो क्वांटम से डिराइव है, वीबीटी को तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। और ये भी अपनी जगह अगर सही है तो आप प्रैक्टिकली देखते हो चार बॉन्ड बनता है, वीबीटी कहता है दो बॉन्ड बनता है। या तो वीबीटी गलत है या तो आपने जो कंपाउंड को टेस्टिंग करके निकाला है वो गलत है। अब भाई हमने जिसको लिया है, जिसको प्रैक्टिकली देखा है, वो तो गलत हो नहीं सकता। यानी हमारी गड़बड़ कहाँ पे हुई है? हमारी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं वीबीटी में। तो हमको हम मीथेन को नहीं कह सकते भाई मीथेन तुम दो बॉन्ड बनाओ। हम अपनी थ्योरी को चेंज करेंगे। हम कभी भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व चीजों को चेंज नहीं करते, हम हमेशा अपनी थ्योरी को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं मेरी वीबीटी में हल्का सा चेंज लाऊंगा। और मैं मेरी वीबीटी में क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि अगर जब कार्बन के पास चार हाइड्रोजन्स ने अप्रोच किया, When there were four hydrogens approaching carbon and carbon का valency चार, अभी देखो एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। VBD के हिसाब से चलो दो बॉन्ड बनाएगा, अगर वो दो बॉन्ड बना भी लेता है, if it's making two bonds, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन डाउन एक इलेक्ट्रॉन डाउन, स्टिल उसके आउटर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्योंकि हमारा फंडा क्या कहता है? हमारा फंडा कहता है कि न्यूक्लियस के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? आठ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल, दैट इज फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज 2s एंड द अनदर विल बी कॉल्ड एज 2p। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हैं, 2p में देयर शुड बी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब छह इलेक्ट्रॉन्स आप कहां से लाओगे? अगर आप बॉन्ड भी बना लेते हो, अगर आपका 2p के दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बनाते हैं तो भी p में चार ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पे अभी भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओवरऑल अगर आप देखते हो, ओवरऑल मेरे पास ऑलरेडी फोर इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मैं दो बॉन्ड बना लेता हूं तो मेरे पास प्लस टू हो जाएगा, स्टिल व्हाट आई विल बी हैविंग विल बी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो सर हर जगह अगर आप देखो तो थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सही है वीबीटी सही है कि ये सही है। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने एक न्यू फंडा इंट्रोड्यूस किया, जिस फंडे को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन थियोरी आपसे क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आपसे ये कहती है कि जैसे ही हाइड्रोजन्स ने कार्बन को अप्रोच किया होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे बहुत सारे अच्छे खासे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग अच्छे खासे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, इसको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का प्रेजेंस अच्छा खासा होना चाहिए। बिकॉज इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन लिमिटेड सप्लाई में है, तो अलग कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। देयर मे बी अल्कीन्स, देयर मे बी अल्काइन्स, बट अगर हाइड्रोजन अच्छे खासे क्वांटिटी में है तो चांसेस यही होंगे कि आपको हमेशा अल्केन्स ही मिलेगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट, सर देखो जैसे ही हाइड्रोजन आपको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन अप्रोच करने के बाद मुझे चार बॉन्ड बनाने हैं। रीजन क्या है? मेरे पास ऑलरेडी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं किसी तरीके से चार बॉन्ड बना लूं तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? आठ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से अलग करके मैं यहां पर भेज देता हूं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बदली करूं। बिकॉज हम सबको पता है हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होते हैं,
दिस वे, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अलग करना है तो मुझे उसका स्पिन बदलना पड़ेगा, बिकॉज मैं ऐसे अलग नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी अट्रैक्टेड रहेगा। तो जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगाऊंगा एंड आई विल बी मेकिंग इट जंप टू दिस ऑर्बिटल, तो मेरे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, एक, और यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अब यहाँ ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन थे, दर्स न्यू इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जंप करके वहाँ आया है, और उसका स्पिनअप कैसा हो जाएगा, यहाँ वो भले ही उल्टा था, यहाँ वो भले ही उल्टा था पर वहाँ जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, इन द सेम स्पिन जिसमें बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सर इस स्टेट को जहाँ पे आपके कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अपने हायर ऑर्बिटल में भगाया है, इस केस में आपका जो कार्बन है अब वो अनस्टेबल हो जाता है। Why it's unstable? क्योंकि भाई मैंने जबरदस्ती किसी चीज को किया है, मैं एक्चुअली मैं नॉर्मली कैसा रहना चाहिए था ऐसा। सो दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, आप इसको ग्राउंड स्टेट कहोगे, और ये स्टेट जहां पे आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ एक्साइटेड स्टेट आने के बाद आपके पास चार ऑर्बिटल्स हैं, अब चार ऑर्बिटल्स हैं, चारों के चारों ऑर्बिटल्स में यू हैव गॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन ना, तो प्रॉब्लम इज हो गया ना, चार सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था, अब तो VBT भी सही कहेगा, VBT क्या कहता था, उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ तो चार सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास तो चार बॉन्ड बनने चाहिए, पर अभी भी चार बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसका रीजन ये है, आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि मैंने ये जो दो चीजें बनाई हैं इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शेल एंड अ सेकेंड शेल, और वो एनर्जी डिफरेंस अच्छा खासा होता है, काफी अच्छा खासा होता है, पर यहां पर भी मैंने दो लाइंस को सेपरेट रखा है। अब ये दो लाइंस को सेपरेट रखने का रीजन ये है, इसका मतलब ये होता है कि इस सब शेल में, इसको सब शेल कहा जाता है, इस सब शेल में और इस सब शेल में एक हल्का सा एनर्जी का डिफरेंस है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल्स विल बी स्लाइटली हायर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल विल बी ऑफ स्लाइट लोअर एनर्जी। इसीलिए मैं यहाँ पे गैप दिखाता हूँ, ये गैप जो मैंने दिखाया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम ये है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि मानो मेरे पास चार बेटे हैं मेरे, आई गॉट माय 4 kids, इवन तो मेरी उम्र नहीं है बट मान लो मेरे चार बेटे हैं और मुझे मेरे चारों बेटों की शादी करवानी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें से तीन बच्चे जो मेरे हैं वो 1,00,000 रुपए की कमाई करते हैं और एक बच्चा मेरा जो है वो 60,000 रुपए की कमाई करता है, यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ आई एम रबिंग दिस आउट ओवर देयर, द थिंग वाज कि मेरे चार बच्चे हैं, लेट अस से आई हैव गॉट अ किड 1, आई हैव गॉट अ किड 2, 3 एंड 4, ये तीनों जो किड हैं, ये तीनों बच्चे जो मेरे हैं, ये तीनों बच्चे इक्वल अमाउंट में कमाते हैं, ये भी 1,00,000 रुपए कमाता है, यानी मैं उसको वहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ये भी 100,000 रुपए कमाता है, ये भी 100,000 रुपए कमाता है और ये सिर्फ 60,000 रुपए कमाता है। अब अगर मेरे पास एक रिश्ता वाला कोई आता है और वो अगर अपनी चार बेटियों का रिश्ता मेरे पास लेके आता है, विच इज इम्पॉसिबल बट मान लो लेके आता है, अब वो मुझसे आके सबसे प्राइमरी कंडीशन उसकी क्या रहेगी, भाई मेरी चारों बेटियां अगर शादी करेंगी तो वो चारों बच्चों के साथ तभी शादी करेंगी जब चारों की इनकम सेम होनी चाहिए। भाई मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा कि तीन बेटियों की शादी अमीरों के साथ करा दूंगा और एक बेटी की शादी मैं वो बेचारे 60,000 वाले के साथ करा दूंगा। तो अब मुझे बताओ मैं एज अ बाप क्या करने वाला हूँ, मैं एज अ बाप ये करने वाला हूँ कि इसका 10,000 रुपये निकाल के इसको दूंगा, इसका कितना हो जाएगा 70, इसका कितना हो जाएगा 90, इसका 10,000 निकाल के इसको दूंगा, अब इसका कितना हो जाएगा 80, पर इसका कितना हो जाएगा 90, और इसका 10,000 रुपये निकाल के इसको दूंगा, अब इसका कितना हो जाएगा 90, और इसका भी कितना हो जाएगा 90। मैंने क्या किया, मैंने मेरे अमीर बच्चों की जिनकी एनर्जी थोड़ी हाई थी, यानी उनका पैसा जिनका ज़्यादा था, उनका थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के इसको देना स्टार्ट किया, उनका कम हो गया इसका बढ़ गया, और आफ्टर सम टाइम चारों की एनर्जी कितनी हो गई 90 90 90। नाउ दिस फिनोमिनॉन जहां पर मैं हायर ऑर्बिटल्स में से एनर्जी को विड्रॉ करके लोअर ऑर्बिटल को देता हूं और उसको सेम एनर्जी का बनाता हूं, उस फिनोमिनॉन को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं इसको कहूं, द हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमिनॉन ऑफ रीकास्टिंग रीमिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उनको मिक्स कर रहा हूँ और उसके बाद न्यू ऑर्बिटल्स को रिकास्ट कर रहा हूँ। मुझे बताओ जब मैं यहाँ पर इनको रिकास्ट करूंगा तो मुझे चारों ऑर्बिटल्स जो मिलेंगी उनका सबका एनर्जी सेम होगा, माइंड माई वर्ड्स द एनर्जीज विल बी सेम। तो विल देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन दैम, नो देयर विल नो डिफरेंस बिटवीन दैम। तो मैं उनको कैसे लिखूंगा, मैं चारों ऑर्बिटल्स को एक साथ लिखूंगा और चारों ऑर्बिटल्स में मैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दूंगा। अब मेरे पास चारों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की हैं।
नाउ सिंस मेरे पास चारों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की हैं, चारों ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है एंड फोर ऑफ देम इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू मेक अ बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। पर बॉन्ड अगर बनेगा, वापस से वही फंडे पे आते हैं, अगर चार शादियां हो भी जाती हैं तो चारों बच्चे कहाँ रहना पसंद करेंगे? सर चारों बच्चे ऐसे ऐसे रहना पसंद करेंगे, मतलब अगर मैं उनको घर में एक बड़े मेरे महल में, ना फॉर अ टाइमिंग मेरा महल है, अगर मैं उसमें उनको रखता हूँ तो चारों बच्चे इस तरीके से रहना पसंद करेंगे कि ना तो उनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए और ना ही उनके बीच में ज़्यादा प्यार होना चाहिए। देयर शुड बी नो अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर अ पेयर, वो एक पेयर में रहने वाले हैं। सो वो ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वो एक सिमेट्री में रहना पसंद करेंगे, जहां पे वो एक दूसरे से ना बहुत दूर हैं और ना ही बहुत करीब हैं। एंड चार ऑर्बिटल्स अब अपने आप को अरेंज कैसे करेंगी? सर ये चार हाइड्रोजन्स इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेंगे और वो चार हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे, दे विल बी ब्रिंगिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे, पहला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तीसरा इसके साथ बनाएगा, चौथा इसके साथ बनाएगा, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ पेयर, ये हमेशा अपना एक पेयर बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये चार पेयर कार्बन के इर्द गिर्द किस तरीके से रहेंगे, किस डायरेक्शन में रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कि उनका ज्योमेट्री क्या होगा। नाउ व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? इट्स क्वाइट सिंपल, ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा कि आपके कार्बन के पास, जस्ट समझने की कोशिश करना, मैं एक पेपर लेता हूँ और इस पेपर में मैं यहाँ पर कार्बन को प्लेस करता हूँ, ये मेरा कार्बन है जो पेपर में मैंने लगाया हुआ है। अब इसके चार ऑर्बिटल्स हैं ना, चारों जो ऑर्बिटल्स मेरे पास हैं, ये जो चार ऑर्बिटल्स मुझे मिली हैं, मुझे बताओ ये चार ऑर्बिटल्स किसकी किसकी मदद से मिली हैं? सर अगर आप इन ध्यान से देखो, ये चारों ऑर्बिटल्स में एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। मैं ये नहीं कहूँगा ये एस है, मुझे नहीं पता कौन सा एस है कौन सा पी है, ये एस है ये तीन पी है, ऐसा नहीं होता, प्लीज समझने की कोशिश करना। मेरे पास तीन ऑर्बिटल एस पी के थे और तीन और एक ऑर्बिटल एस का था। जब तक ये अलग थे इनकी आइडेंटिटी खुद की थी, ये एस ऑर्बिटल था ये पी ऑर्बिटल था। अब ये करीब आ गए हैं और ये इन्होंने आपस में एक दूसरे को मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब जो मुझे चार ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला एस ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल है। एक्चुअली ये चारों ऑर्बिटल्स अब ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एस का कैरेक्टर भी है और जिसमें पी का कैरेक्टर भी है। ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आप बेंट रूल पढ़ोगे, आप बहुत कुछ पढ़ना स्टार्ट करोगे, अब जब वहां पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको वहां पे ये पता लगाना होता है कि किसी ऑर्बिटल में कितना परसेंट एस कैरेक्टर है और कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, क्योंकि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, और जितना ज्यादा पी कैरेक्टर होगा यानी उस ऑर्बिटल का शेप जितना बदलेगा उतना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करने का ताकत आएगा। नाउ मैं ये क्यों समझा रहा हूं, आप इसको समझिएगा, पहले तो एक काम करते हैं ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। आप अगर सिर्फ पी ऑर्बिटल को लिखोगे तो आपका पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। आप अगर सिर्फ s ऑर्बिटल को लिखोगे तो आपका s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आता है, जो कि स्फेरिकल होता है। मानो s ने और p ने हाइब्रिडाइजेशन किया, यानी अब उन्होंने मिक्सिंग किया, तो मिक्सिंग करने के बाद अब जो ऑर्बिटल को आप ड्रॉ करोगे, मानो यहां से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ना तो वो p जैसा होगा, ना तो वो पी जैसा इलोंगेटेड होगा, और ना ही वो एस के जैसा स्फेरिकल होगा। वो एक्चुअली कैसा होगा, अब जो नया ऑर्बिटल आएगा, देखो ये डॉटेड लाइन आपको बताता है एस ऑर्बिटल के बारे में, ये अकेला एस ऑर्बिटल, और ये आपको बताता है अकेला पी ऑर्बिटल के बारे में। पर सिंस अब आपके एस और पी ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन किया है, एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एस का शेप भी बदलेगा और पी का शेप भी बदलेगा, तो आपका जो अब ऑर्बिटल मिलेगा वो इलोंगेटेड भी नहीं होगा और वो स्फेरिकल भी नहीं होगा, वो थोड़ा फ्लैटेंड हो जाएगा, और आप उस ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, थोड़ा इलोंगेटेड भी है थोड़ा फ्लैटेंड भी है, इसके अंदर एस कैरेक्टर भी है और इसके अंदर पी कैरेक्टर भी है। अब एस कैरेक्टर कितना होगा और पी कैरेक्टर कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने पी वालों ने कंट्रीब्यूशन किया है और कितने एस वालों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास टोटल मिला के पी के तीन ऑर्बिटल हैं और एस का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
नाउ इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों ऑर्बिटल्स में आप अगर ध्यान से देखो s का और कंट्रीब्यूशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी s ने चारों में कंट्रीब्यूशन किया है। तो हर ऑर्बिटल में s का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। अगर s का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, इसका मतलब उसके अंदर s कैरेक्टर कितना आएगा, 0.25 आएगा, या मैं उसको कह सकता हूं 25% s कैरेक्टर होगा और उसके अंदर p कैरेक्टर कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.75, यानी कितना हो जाएगा, 75% p कैरेक्टर होगा। यानी ये जो मुझे ऑर्बिटल मिली है, ये जो s और p का जो मिक्सचर मुझे मिला है, इस s और p के मिक्सचर में s का परसेंटेज कितना होगा, 25% होगा, और p का परसेंटेज कितना होगा, इट विल बी अ 75%। इसलिए ये इलोंगेटेड ज्यादा होगी और फ्लैटेंड थोड़ी कम होगी, क्योंकि p उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट है। आई होप आपको यहां तक जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। ये s कैरेक्टर और p कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब जो मेरे पास वहां कार्बन प्रेजेंट है, वो कार्बन अपने आप को अरेंज कैसे करेगा, सिंस उसके पास चार ऑर्बिटल हैं और चारों के चारों ऑर्बिटल जो है वो s और p का हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें s का 25% कंट्रीब्यूशन है और p का 75% कंट्रीब्यूशन है। तो वो चार ऑर्बिटल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगी कि पहला ऑर्बिटल यहां जाएगा, देखिए ना मैंने इसको इलोंगेटेड बनाया है, ना मैंने इसको सर्कुलर बनाया है, दूसरा ऑर्बिटल उसका यहां आएगा, तीसरा ऑर्बिटल उसका कुछ इस तरीके से पेपर में होगा, और चौथा ऑर्बिटल भी उसका इस तरीके से कुछ पेपर में होगा, एंड दिस इज हाउ यू ड्रॉ द फोर ऑर्बिटल्स। अब ये क्या आपको दिख रहा है, ये चारों ऑर्बिटल्स ने अपने आप को टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज किया है। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रल तरीके से, अगर मैं यहां मेरे सेंटर को, अगर मैं अब मेरे सेंटर को यहां पर कार्बन मानता हूं, तो उसके चारों ऑर्बिटल्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है। कैन यू सी, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये चार अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। ये कार्बन का पहला ऑर्बिटल है, ये कार्बन का दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है, ये चौथा ऑर्बिटल है। व्हाई दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट इसलिए है कि ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इतना दूर रहेंगी जहां ना तो इनमें रिपल्शन हो और ना ही इनमें ज्यादा अट्रैक्शन हो, दे आर स्टेबल ओवर देयर। यहां हाइड्रोजन आके अटैच होगा, यहां हाइड्रोजन आके अटैच होगा, यहां अटैच होगा, यहां अटैच होगा, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड दिस इज द वे अ मीथेन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं इसको, इसको टेट्राहेड्रल कहने के रीजंस हैं। इसका ये है कि टेट्रा मतलब होता है चार और हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस, देयर आर फोर फेसेस ओवर हियर। कैसे, आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो और यहां पे लेके जाओ, तो यहां से यहां से यहां पर आपको एक फेस मिलेगा, दैट्स फर्स्ट फेस। यहां से यहां से यहां पर आपको सेकंड फेस मिलेगा, यहां से यहां से और यहां पे दिस विल बी योर थर्ड फेस, और नीचे जो फेस होगा दैट विल बी योर फोर्थ फेस। तो इसलिए चार फेसेस हैं, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रॉन। ना इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, यू हैव गॉट अ कार्बन जिसमें यहां पर एक है, जिसमें यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा। नाउ एंगल कितना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो ये ऐसा है, इज इट लुकिंग लाइक समवर लाइक दिस, क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जो आपने उस समय बोर्ड पे ड्रॉ किया था, इज इट लुकिंग लाइक दिस, जहां पे आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। नहीं सर, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली आप अगर इसको देखो तो इसने अपने आप को रीएडजस्ट करके कुछ ऐसा बना लिया है, एम आई करेक्ट, इसने अपने आप को रीएडजस्ट करके कुछ ऐसा बनाया। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री तो नहीं है सर, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। इज इट 90 डिग्री, नो, 90 डिग्री अब ऐसा होता तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये एंगल की बात करूं तो ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो सर ये जो एंगल निकल के आता है, इट कम्स आउट टू बी 109.5, यानी 109 डिग्री और 5 मिनट्स, दैट्स द एंगल दैट यू गेट ओवर देयर। तो ये 109 डिग्री है, ठीक है, ये याद रखना, दिस एंगल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ इसको जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है वो क्या ड्रॉ किया है सर, इसको, इस टेट्राहेड्रल को इमेजिन करने के अलग अलग तरीके हैं। आप इसको कैसे याद रखे और हमेशा कैसे समझ में आएगा कि मेरा कार्बन sp3 है कि नहीं है, पहली बात तो सिंपल है, अगर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वो sp3 है। दूसरी बात, अगर आप स्टीरियो पढ़ रहे हो, स्टीरियो जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट वेदर दिस मॉलिक्यूल को इमेजिन कैसे करोगे, एक सिंपल तरीका है। देखो आप जो अभी देख रहे हो उसमें रेड ऊपर है और बाकी के तीन नीचे हैं, ये एक तरीका है इसको विजुअलाइज करने का, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा वे क्या है, मैं इसी चीज को थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, जस्ट लुक, मैं इसको टिल्ट करता हूं कुछ इस तरीके से, हैव आई टिल्टेड दिस, यस, इसको नीचे कर दूं तो ऐसा दिखेगा, इसको ऊपर कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपको यहां दो वी दिखाई देंगे, कैसे दो वी दिखाई देंगे, ब्लैक और ग्रीन, ये एक वी बना रहा है, दिस इज वन वी टाइप,
और रेड और ब्लू एक दूसरा भी बना रहा है। इट्स जस्ट लाइक वन वी ऊपर है और दूसरा भी उसके अंदर घुसा के इस तरीके से रखा हुआ है। सो वन वी इज अप, वन वी इज डाउन। अब इसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करूँगा? मानो मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको उठा के कुछ ऐसा लेके आता हूँ इस तरीके से, दिस इज द वे। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर भी आपको दो वी दिखाई देंगे, ब्लैक ब्लू और ग्रीन का एक वी है जो नीचे ऊपर है एक, और एक नीचे की तरफ है। रेड एंड ब्लैक का एक वी है, रेड पीछे की तरफ है और ब्लू ब्लैक बाहर की तरफ है। प्रॉब्लम यह है, रेड दिस रेड एंड दिस ब्लैक आर इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में है, पर ब्लू ऊपर है और ग्रीन नीचे की तरफ है। दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? ये जो ब्लू वाला है इसको मैं यहां ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ, ये एक ऑर्बिटल है, ये ऊपर की तरफ आएगा अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ग्रीन वाला बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, सो दिस इज अबव प्लेन ऑफ पेपर, दिस वन विल बी बिलो प्लेन ऑफ पेपर, और ये जो दो रहेंगे वो इन प्लेन। तो ये जो दोनों हैं वो किसमें हो जाएंगे? इन प्लेन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या होगा? अब अगर इसी को मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो नहीं होगा। इसको मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं इसको यहां घुसाने की कोशिश करूंगा तो मेरा रेड मार्कर बोर्ड के पीछे चला जाएगा, मेरा कार्बन यहां होगा, मेरा ब्लू मार्कर बोर्ड पे चिपक जाएगा, सो मेरा ब्लू मार्कर यहां होगा तो दिस विल बी बॉन्ड हाइड्रोजन, मेरा ग्रीन मार्कर जो होगा वो भी बोर्ड में आएगा, दिस विल बी हाइड्रोजन, ब्लैक मार्कर बाहर की तरफ होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ निकला होगा कुछ इस तरीके से। तो जो चीज़ बाहर की तरफ निकली होगी उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहां पे आप इसको पूरा शेडेड कर सकते हो, और जो पीछे की तरफ गई होगी उसको मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, उसको मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा जहां पर आपका हाइड्रोजन लगेगा। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करोगे कि ये जो डायग्राम है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो बहुत जगह पे, बट मेनी अ टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां से इसके से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, एंड दैट्स हाउ यू ड्रॉ दिस। और ये आपने स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू इमेजिन कि ये क्या है। सो द बेस्ट वे इज टू ड्रॉ दिस। याद रखना, दो वी अगर आपको कहीं दिखते हैं, दो वी जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो समझ जाना कि वहां पे मेरा कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, एंड दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई sp3 हाइब्रिडाइज। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।